हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम विश्व के मुख्य जो महासागर व सागर हैं वो और उनकी जो गर्त हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैचिंग करने के लिए अक्सर आ जाती हैं। और पिछले वीडियो में आपने महाद्वीपों के बारे में देखा था और आज हम इससे आगे कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी गर्त है वो है मेरियाना गर्त, और अटलांटिक महासागर की जो गर्त है सबसे गहरी वो है मिल्वाउकी डीप, और हिंद महासागर की सबसे गहरी जो गर्त है वो है डायमेंटिया डीप, और आर्कटिक महासागर की जो है लिटके डीप, और दक्षिण महासागर की साउथ सैंडविच गर्त। तो यही इम्पोर्टेंट है। बाकी के सागर जो हैं और उनकी ट्रेंच जो हैं गर्त वगैरह, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। विश्व के प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं वो तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे जानते ही हैं लगभग, तो इसको भी नहीं बताने जा रहा हूँ। अगर पढ़ना चाहें आप तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। विश्व के जो है प्रमुख पठार को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर आ जाता है कि ये पठार कौन सी जगह है। तिब्बत का पठार, हिमालय और कुमिल्लू के मध्य है। कुमिल्लू जो पर्वत श्रेणी है उसके मध्य में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। अरेबियन पठार जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में है। ब्राजील का पठार जो है दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्व में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। कोलंबिया का जो पठार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेडागास्कर का मेडागास्कर में है। अलास्का का उत्तर अमेरिका के उत्तर पश्चिम जो भाग है आप जानते ही होंगे। बोलिविया का एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, और ग्रेट बेसिन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इधर थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन सी स्थिति उनकी थोड़ी सी। जैसे न्यू गिनी है, तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर में है, अक्सर आ जाते हैं थोड़े से ऐसे। जैसे बेफिन द्वीप है जो आर्कटिक महासागर में है। सुमात्रा तो हिंद महासागर में है। होंसू आपको पता ही होगा, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। होंसू द्वीप एक तरह से जापान का ही हिस्सा है, और विक्टोरिया द्वीप आर्कटिक महासागर में है। और इम्पोर्टेंट जो भी हैं इसमें से बता देता हूँ मैं, जैसे क्यूबा जो द्वीप है वो आपका कैरेबियन सागर में है। ये इम्पोर्टेंट है, विवादित भी रहता है हमेशा, तो इस वजह से ये थोड़ा जानना जरूरी है। और हॉकलैंड हॉकेडो जो द्वीप है वो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, ये भी जापान का ही हिस्सा है। और बाकी के आप चाहें तो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क में स्थित है। डेनमार्क का क्षेत्र है, सॉरी, ये ध्यान में रखना है कि ये कौन सा क्षेत्र, किनका क्षेत्र है, डेनमार्क का। ये नदियां देख लेते हैं, उनके तंत्र देख लेते हैं, स्रोत देखेंगे इसमें हम, और जहाँ पर ये गिरती हैं महत्वपूर्ण नदियाँ उनको देख लेंगे, क्योंकि दोनों ही, जैसे नील नदी है, नील कागेरा जो नदी है विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील आपको पता है अफ्रीका में, और ये कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में, तो ये इम्पोर्टेंट है। अमेजन जो नदी है वो हिमनद झील से निकलती है, जो कि पेरू में है, और ये गिरती कहाँ है, अमेजन अटलांटिक महासागर में। जैसे यांगटी से क्यांग जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और भारत उसकी चीन की सबसे बड़ी नदी है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें देख लेते हैं। मिसिसिपी और जो नदी है वो आपके रेड रॉक स्रोत यानी मोंटाना अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। एनिसी अंगारा जो है रूस से एक तरह से स्रोत है, टानू ओला माउंट से, और जो कारा सागर जो है वहाँ गिर जाती है। देखिए मैकेंजी जो नदी है, मैकेंजी ये आपकी कोलंबिया में है। कोलंबिया यानी गिनले नदी और कोलंबिया ब्रिटिश कनाडा से निकलती है यहाँ से, और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अक्सर आ जाती है यहाँ से। और आपके नाइजर नदी है जो गिनी से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। मरले डार्लिंग आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में मध्य पूर्व जो क्षेत्र है, उच्च भूमि है, वहां से निकलती है और दक्षिण महासागर में गिर जाती है। और वोल्गा महत्वपूर्ण है, वही बता रहा हूँ, वोल्गा नदी है वो वाल्दाई पठार से निकलती है जो कि रूस में है, और कैस्पियन सागर में गिर जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और आपकी जो है सात अल जो नदी है वो इराक से निकलती है और फारस की खाड़ी में गिर जाती है। मैडेइरा जो नदी है वो ब्राज़ील से निकलती है और अमेजन में एक तरह से गिर जाती है, अमेजन नदी के अंदर गिर जाती है। ऐसे ही पारोस जो नदी है वो भी ब्राज़ील में अमेजन में गिर जाती है। तो आप और चाहें तो पॉज करके इन्हें सारी को पढ़ सकते हैं। लेकिन विश्व के प्रमुख जलप्रपात भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैचिंग के लिए या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये कौन सा कहाँ पर किस देश में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। जो साल्टो एंजल जो एंजला जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, वो है आपकी वेनेजुएला में।
ये ध्यान में रखना है। और तुगेला जो है दक्षिण अफ्रीका में है, योसेमाइट जो है कैलिफोर्निया में है, और मार्डाल्स जो फोसेन जो जलप्रपात है वो आपके नॉर्वे में है, कुकेनान जो है वेनेजुएला में है, और रिब्बन जो है ये इम्पोर्टेंट है, रिब्बन ये कैलिफोर्निया में है जलप्रपात, और कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में भारत में है, और जोगप्रपात आपको पता है ये भी आपका भारत में है। तो भारत का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है, तो ये भी एक तरह से फैक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिल रहा है। विश्व की जो है मुख्य झीलें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्ट हमारे सामने हैं। तो देखिए कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ से मतलब किस किस देश के बीच में है एक तरह से, तो आपको जवाब देना है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। तो आपको इराक दे दिया जाएगा मैचिंग या मिलाने के लिए कुछ भी, तो ऐसे करके आप इसे हटा सकते हैं। सुपीरियर झील जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य में, ह्यूरोन झील जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हीं के बारे में दिया गया है इसमें, मिशिगन जो है पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, टांगनिका झील जो है कांगो, तंजानिया, जाम्बेजी और बुरंडी के मध्य में है, तो ये ज़्यादा देश हो जाते हैं, इस वजह से इंपोर्टेंट नहीं। बेकाल झील आपको पता होना चाहिए, ये आपकी रूस में है, ग्रेट वियर जो झील है वो आपकी कनाडा में है, मलाबी जो झील है तंजानिया, मोजाम्बिक ये इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें तीन चार देश हो गए तो याद भी नहीं हो पाएंगे। ग्रेट स्लैब झील जो है कनाडा में, इरी झील ये इंपोर्टेंट है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, विनीपेग झील जो है कनाडा में है, ऑनटेरियो झील जो है आपकी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाल खास झील जो है कजाकिस्तान में है, लेडोगा झील जो है रूस में है, टिटिकाका झील आपको पता होगा पेरू और बोलीविया के अंदर है, निकारागुआ निकारागुआ देश में है जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, ये अथाबास्का झील जो है कनाडा में है। इधर कुछ फैक्ट दिए गए हैं विश्व के नहरों से रिलेटिव, तो इन्हें भी देख लेते हैं। जो सू नहर है वो यूएसए में है, और ये कहाँ से एक तरह से निकलती है, सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है ये, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा इनके बारे में जो दिया है, इन्हें पढ़ लेते हैं अच्छे से। इरी इरी नहर जो है वो भी यूएसए में, ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है, और गोटा नहर जो है स्वीडन में है जो कि स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है, कील नहर आपकी जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है ये, मैनचेस्टर नहर जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है, वोल्गा डॉन जो झील नहर है वो आपकी रूस में है, ये जो है रोस्टोव और स्टालिन ग्राड के बीच में है, स्वेज नहर आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिस्र में है, और ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है जहाँ पर पोर्ट सईद पत्तन उत्तरी सिरे पर और स्वेज पत्तन दक्षिण सिरे पर, तो ये पूरी पूरी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान में रख लें। पनामा नहर पनामा देश में है, आपको पता है ये मध्य अमेरिका के देश हैं पनामा, और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है ये। अल्बर्ट नहर जो है पश्चिमी यूरोप में है, और ये आपकी एंटवर्प लीग एवं वेनेक्स को जोड़ती है ये, और वेलैंड जो नहर है वो यूएसए में इरी और ओंटारियो के बीच में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लें, कैसे भी करके आ सकते हैं क्वेश्चन, चाहे मैचिंग के लिए आए चाहे डायरेक्टली पूछे दिए हैं, लाभकारी होंगे आपके पीसीएस के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट दिया है विश्व की जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में जो खाड़ी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर घुमा दिया जाएगा और हम गलत कराएंगे। मैक्सिको की खाड़ी इसके बाद आती है और हडसन की खाड़ी इसके बाद आती है, तीन दिमाग में रहनी चाहिए, बंगाली खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और हडसन, ये तीनों ही एक तरह से सबसे बड़ी छोटी फिर उससे छोटी। ये कुछ फैक्ट मरुस्थल के बारे में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक तरह से, जो दो देशों के मध्य में देख लेते हैं, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन के मध्य में है, और पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना और चिली के मध्य में है, और आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। आप देख लेते हैं उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में, अभी आपको समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं कि भारत में ही केवल इस वजह से, और नाम जो है अंगोला और नामीबिया में है, तो दो दो वाले देख लिए, बाकी आप देखना चाहें तो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अटाकामा महत्वपूर्ण है, अटाकामा जो उत्तरी चिली और पेरू यानी दक्षिण अमेरिका में है ये दोनों ही देश, तो इसमें है ये अटाकामा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उससे आपके पास निरंतर वीडियो आते रहेंगे, और सब्सक्राइब